I stand nowhere in front of all these honored, all these respected and learned people. In front of them, I stand nowhere. So, but still, I feel very happy, and I learn a lot from this country. And thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, sir. Humility is the greatest sign of greatness. And by calling India as Guru and Tibet as Chela, okay. But we have got to learn from you, sir. And I hope you will not shy away from teaching us some things. And it will be a great honor if the values which Tibetan education system brings, we can have that reflected to the other children as well. And I think we should not shy away from that. It will be a great blessing if we can have it included. Thank you so much. The same sequence, if Team Avengers, Team Prithvi Kul, something has to be formed, so we need young, energetic people who are ready to not to sleep for the week. Okay, not like me, maybe half like me, slept after me. But we need such people to come forward and, you know, take it forward. Because this needs to be implemented. This is crying to be implemented. This is not a concept of me or you alone. This is ours. So in this sequence, I'll call Saurabh. And I think he's the real person who can take it forward. Saurabh. शिक्षा के बारे में ज्यादा आपसे नहीं बोलना, मेरे कई अग्रज और विद्वान लोगों ने आपके शिक्षा के मर्म को आपको समझाया। एक पुरानी संस्कृत का शास्त्र था, उनका शासकों और संस्कृति को बड़े करीबी से देखने का मौका मिला, ओरिजिनल फॉर्म में देखने का मौका मिला संस्कृत के बारे में। एक बड़ी बात यहाँ लिखी है, कृण बंधु विश्व हमारे विश्व को आर्य बनाने की हमारी सोच, एक प्राचीन सोच, वैदिक काल की सोच, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सोच, ये भी हमारी बड़ी पुरानी सोच। इन इस सोच को अगर हम नए बदलते परिप्रेक्ष्य में देखें, इस सोच को अगर हम टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हम पाएंगे कि इस सोच को आगे ले जाने का, इस सोच को एक रियलिटी में तब्दील करने सबसे बड़ी जो हमारे पास आज अपॉर्चुनिटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फॉर्म में है। और विश्व के न सिर्फ भारत के लोग, विश्व के लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने ये माना है कि दुनिया एक गांव के रूप में बदल रही है। वर्ल्ड इज टर्निंग इन टू अ ग्लोबल विलेज, थॉमस फ्रीडमैन कहते हैं वर्ल्ड इज प्लान। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, द टेक्नोलॉजी हैज गिवन अस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, take our views, our ideologies, our culture across the world and learn from them whatever the best they have. इतिहास के कालखंड को अगर आप देखें तो नई तकनीक हमेशा सिविलाइजेशन को एक नया नई दिशा देती है, चाहे वो पहिए का आविष्कार हो, शिक्षा को पूरी सिविलाइजेशन को एक नई दिशा दी, लोहे का आविष्कार हो सिविलाइजेशन को एक नई दिशा दी, बारूद का आविष्कार हो उससे भी नई दिशा मिली, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति हुई उससे एक नई दिशा मिली पूरी दुनिया को, और आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के दरवाजे खोल रहे हैं। पहले कालखंड में औद्योगिक क्रांति और आज के समय में फर्क ये है कि पहले परिवर्तन की गति थोड़ी धीमी होती थी, आज परिवर्तन की गति इतनी तेज हो गई है कि लोग उसको आत्मसात नहीं कर पाते। और इसलिए अल्फ्रेड टफलर ने 1970 में अपनी किताब में लिखा था
pace of change of civilization will be so fast that people will not be able to cope up with the change and they will be in for a future shock. इसलिए टेक्नोलॉजी को आज आत्मसात करना, उसको स्वीकार करना, ये हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। देश को टेक्नोलॉजी के में कैसे आगे ले जाना है, इसका एक विजन देश में कम लोगों के पास है, लेकिन जिन लोगों के पास है सौभाग्य से उनमें से एक व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री। इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ और भारत की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय में कार्य करने के कारण और भी इसको गरीबी से देखने का मौका मिला और मैं इस बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बार भारत पीछे नहीं रहने वाला है, इस नेतृत्व में भारत पीछे नहीं रहने वाला है। और यहीं से उत्पन्न हुई डिजिटल इंडिया की सोच। डिजिटल इंडिया फेसबुक और ट्विटर नहीं, डिजिटल इंडिया गूगल सर्च नहीं, डिजिटल इंडिया का लोगों का मोटो है पावर टू एम्पावर। डिजिटल इंडिया एक आर्किटेक्चर है, डिजिटल इंडिया एक रूपरेखा है जो देश को बदलने के लिए तैयार की गई है, देश के आम आदमी को एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए तैयार की गई है। डिजिटल इंडिया का मतलब, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सिर्फ अमीर और पढ़े लिखे लोगों तक पहुँचना नहीं है बल्कि गरीब और अनपढ़ लोगों तक पहुँचना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष, अभी देखिए भारत में साक्षरता की बड़ी चर्चा होती है, अभी भी जिसके 67 साल हो गए आज़ादी के और हम 100% साक्षर नहीं हो पाए और बीच में टेक्नोलॉजी का अचानक से आगाज हो गया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि चलो साक्षर होना, लेकिन डिजिटली साक्षर जरूर होना है। इसलिए नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन की शुरुआत की। डिजिटल लिटरेसी मिशन आप सब जानते हैं चल रहा है, जल्दी से चलता है, लेकिन नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, मुझे एक संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी कहानी देखी कैसे टेक्नोलॉजी बदल गई। तो पुराने जमाने में जब छोटे बच्चे उनसे भी बड़े बुजुर्ग मिलने आते थे तो वो उनका उनकी पॉकेट से उनका पेन ले लेता, कभी कोई चश्मा छीन लेता, आज ना वो पेन छूटता है ना चश्मा छूटता है, उनका मोबाइल ले लेता है। तो ये प्रभाव हो रहा है टेक्नोलॉजी का, और मोबाइल लेके शांत नहीं रहता है, उसको देखता है, छूता है, उसमें जब तक उसकी स्क्रीन जल नहीं जाती है तब तक वो चिल्लाता है कि जवाब उसको लॉक करके रखा है। इतनी समझ आ गई है। मैं आपको कई रियल लाइफ के उदाहरण दूंगा। अब देखिए कंप्यूटर एक नई चीज है, कई लोग सोचते हैं कि ये तो बड़े लोगों की चीज है, पढ़े लिखे लोगों की चीज है, इसको कैसे छूना। भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर की बड़ी लगभग 1,40,000 कॉमन सर्विस सेंटर पूरे देश में बने हैं गाँव गाँव में, और उसके द्वारा अलग अलग प्रकार की सरकारी सेवाओं को आम लोगों तक दिया जाता है, तो किसी को टिकट बुक कराना है, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट देना है, किसी को अपने लैंड का रिकॉर्ड देना है। अब हम जब सरकार में हम लोग आए तो हम लोगों ने देखा कि महिलाएं जो कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं वो पुरुषों से ज़्यादा अच्छा चला रही हैं, तो इससे बड़ी प्रेरणा मिली। तो हम लोगों ने दिल्ली में देश भर से महिलाओं का सम्मेलन करवाया जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाती है, तो बड़ा उत्साह लगा कि बच्चों ने छोटे बच्चों को लेकर के वो महिला सुदूर गांव बिहार से, कोई बस्तर से, कोई बारामूला से, कोई केरला से, कोई नॉर्थ ईस्ट से सब आए थे, तो बच्चों की खिलकारियों के बीच में उनकी उनके बोधन को सुनने का मौका मिला। कुछ महिलाओं ने बताया कंप्यूटर से तो हमें डर लगता था, हमें लगता था कि कंप्यूटर छूना तो हमारे जीवन में हमारे लिए संभव नहीं, लेकिन हमने शिक्षा ली और कंप्यूटर चलाना सीखा और उससे हमने सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना सीखा। इसका परिणाम क्या हुआ, ऐसी महिलाओं का समाज में सम्मान बढ़ गया, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया शायद वो और किसी माध्यम से नहीं आ पाता। उन्होंने बताया कि बस्तर के धमतरी ट्राइबल एरिया में उन्होंने मजदूर की बेटियों को, बहनों को, जो मजदूर वर्ग की बेटियों और बहनों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जिससे उनकी समाज में उनका सम्मान था। तो ये डिजिटल इंडिया, दिस इज पावर टू एम्पावर, ये हमारे रूपरेखा है। छात्र यहाँ पे बहुत बैठे हुए, छात्रों के लिए डिजिटल इंडिया का क्या,
आजकल बहुत सारे नए लर्निंग टूल्स, नए लर्निंग एड्स आ गए। आप 3D में देख सकते हैं कि भाई आपके शरीर के हिस्से कैसे काम कर रहे हैं। आप 3D में आज डायग्राम में आप देख सकते हैं टेलीविजन पर कि कैसे फिजिक्स की मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी कैसे चलती है, अलग अलग प्रकार के विषयों को कैसे समझा जा सकता है। लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए IT का बड़ा जोर तरीके से यूज हो रहा है। तो क्या ऐसे में विद्या भारती इतना बड़ा संगठन है, लगभग 13,000 विद्यालय चलते हैं, जिस दिन मेरे शुक्रा जी ने बताया कि हमारे 13,000 विद्यालय है, उस दिन मैं गूगल करने बैठा कि क्या दुनिया में कोई ऐसा संगठन है जिसके 13,000 विद्यालय, ऐसा नहीं कोई संगठन। इसलिए ये जो नेटवर्क हमारा है, इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला करके, इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ करके हम एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं समाज में, हम एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। देश भर में बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स चलती है, विद्यार्थियों को पता भी नहीं होता है कौन सी स्कीम आ रही है, कौन सी स्कीम जा रही है, कहाँ अप्लाई करें, किससे पूछें। तो हमने एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया, अब उस पर जाए उसको देखें इसमें ये हमारे संबंध में कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, उसमें सीधा वहाँ जा करके अप्लाई करिए। अगर आप योग्यता में पाए जाते हैं तो आपके पास स्कॉलरशिप मिल जाएगा। बहुत से लोगों को शिक्षा के लिए ऋण लेने में कोई दिक्कत होती थी, तो उसके लिए भी एक पूरे देश के लिए विद्यालक्ष्मी पोर्टल बनाएंगे। 3 स्टेप में आप अपने लिए शिक्षा के लिए ऋण ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चीजों को जो कन्वेंशनल बैरियर्स का डेवलपमेंट है उसको ओवरकम करने में हमारी बड़ी सही है। एक बड़ी रोचक समस्या हमने देखी कि जो लोग पेंशन लेते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे जो पेंशन धारक हैं सरकार से रिटायर होकर, तो उनको हर साल नवंबर में अपने कार्यालय में आकर के जहाँ से वो पेंशन लेते हैं उनको प्रमाण देना होता है कि हम जीवित हैं, तभी उनकी पेंशन आगे चलती है। तो कई लोग अपने बच्चों के साथ विदेशों में सही, कई बिहार के लोग, यूपी के लोग, दक्षिण भारत में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। फिर हर साल नवंबर में उनको इतनी, चाहे उनकी हेल्थ खराब हो कुछ भी, उनको नवंबर में उसको लगाना पड़ता। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि क्या इसको टेक्नोलॉजी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक जीवन प्रमाण करके हमने योजना बनाई, एक जीवन प्रमाण करके सोल्यूशन बनाई। तो आप कैलिफोर्निया में बैठे हैं, बस आपको अपना अंगूठा लगाना है, अपने आधार कार्ड के माध्यम से आप सरकार को बता सकते हैं कि आपकी पेंशन चलती है। तो ये है टेक्नोलॉजी का चलना। गांव गांव में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, प्राइवेट से PSC जो है चल रहे हैं उसमें डॉक्टर नहीं मिलते हैं, नर्सेस नहीं होती हैं। गांव के लोग अच्छी मेडिकल कंसल्टेंसी से दूर रह जाते हैं। इसको हमने टेलीमेडिसिन के थ्रू गाँव गाँव तक पहुँचा। 60,000 पब्लिक सर्विस सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर आप जाएँ, आपको वहाँ पर जाकर बताना है कि हमें ये बीमारी है, हमें एक्सपर्ट डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल के दिल्ली के डॉक्टर से बात कर ली है, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, उस निर्धारित समय पर आप आइए, अपनी समस्या डॉक्टर को बताइए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिल्ली में बैठे हुए, चेन्नई में बैठे हुए सुनते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये टेस्ट करवा लीजिए, टेस्ट करवा के रिपोर्ट ईमेल कर दीजिए, ईमेल करने के बाद वो जब एनालाइज करके बताएंगे कि आपको ये बीमारी है, वहीं पर आपको दवाई भी प्रेस्क्राइब हो जाएगी। ये टेलीमेडिसिन का समय। तो डिजिटल इंडिया की परिकल्पना ये है। मैं विद्या भारती का न सिर्फ छात्र हूँ बल्कि विद्या भारती की जो सोच है उस पर मुझे बड़ा दृढ़ विश्वास है और मैं उसको आगे ले जाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। इसी वजह से पिछले कई महीनों से हमारी हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे बढ़ना है। इसी क्रम में मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, आज के समय में ब्रांड बिल्डिंग की बहुत जरूरत है। क्या हम विद्या भारती को एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान का ब्रांड बना सकते हैं? क्या हम एक ब्रांड, एक rather than keeping so many names of different schools, क्या हम एक विद्या भारती विद्यालय का नाम चला सकते हैं? जब आप कहते हैं कि DPS से पढ़ा है तो एक बॉन्डिंग आती है, कहते हैं सेंट जेवियर से पढ़ा है तो एक उनकी अपनी बॉन्डिंग आती है। तो क्या हम एक विद्या भारती विद्यालय का नाम पूरे देश में लगा सकते हैं? इसके पूरे विश्व को शेयरिंग वाला जो कल्चर है उसको लेकर के उसको बड़ा मजबूत किया है। उदाहरण के लिए फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया क्रिएटर,
मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन इसके पास एक भी लिखने वाले लेखक नहीं है, दूसरों से लेता है और सबको बताता है। ऊबर टैक्सी आपने सुनी हो, ऊबर टैक्सी दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी प्रोवाइडर, लेकिन एक भी कार उसके पास नहीं है, एक भी टैक्सी उसके पास नहीं है, दूसरों से लेते हैं और बाकी लोगों को सुविधा देते हैं। अलीबाबा का नाम आपने सुना होगा, चाइना की कंपनी अलीबाबा, सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी दुनिया की, लेकिन कोई सामान नहीं बनाती, दूसरों से सामान लेती है और ग्राहकों तक पहुंचाती है। तो ये शेयरिंग एंड केयरिंग की जो इकोनॉमी है, ये शेयरिंग और केयरिंग का जो कल्चर है, ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ा है, और इसीलिए मुझे बड़ा हर्ष है कि इसी मन को समझते हुए, इस परिवर्तन को समझते हुए प्लैनेट स्कूल जैसा इनिशिएटिव लिया गया है, जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म बना करके इन्होंने खड़ा किया है, और इसको बहुत दृढ़ता के साथ इसको आगे ले जा रहे हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में इसको आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मैं